मिशन क्लीन लाहौर शाह आलम मार्केट में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल हो चुका है। इंतजामिया ने तजावजात को निशान लगा दिए जबकि बड़े पैमाने पर मिसमारी होगी। इस हवाले से मजीद तफसीला जानेंगे अब्दुल कादिर वदनी से। जी अब्दुल कादिर वदनी जी, ऑपरेशन क्लीन अप लाहौर का मिशन शाह आलम वो जारी है। शाह आलम मार्केट जो है वो ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है। मेरा कैमरामैन मोहम्मद सलीम आपको दिखा सके कि ये वो दुकानें हैं जिन्हें मिसमार किया गया। इसके साथ जो प्लाजा है वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि लोग बरामदों में चलते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बरामदों से आ रहे हैं, और साथ जो है वो 7 से 8 फुट के फासले पर दुकानों के शटर लगाए गए। लेकिन जैसे ही ये प्लाजा शुरू होता था इसके साथ ये 4 दुकानें बनाई गई और इन दुकानों के वो बनाकर जो है वो यहाँ पे कारोबार किया जा रहा था, जबकि ये एक राहदारी थी, एक जो है वो बरामदा था। ज़िला इंतज़ामिया की भारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रही है और मुतअद्दद दुकानें 74 दुकानें जो हैं मुकम्मल तौर पर मिसमार किया गया है। यहाँ पर ताजरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। एक ताजर हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही पूछते हैं, इनसे जानते हैं। देखें, ये तो सारा कब्जे की जगह पर बनी हुई दुकानें हैं, इसके बावजूद जब सरकारी अराजी पर कब्जा किया हुआ, राहदारियों पर जो है वो कब्जा किया गया हुआ, तो फिर एहतजाज और मुजाहमत किस चीज़ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो देखें ये जो जगह हैं ये कब्ज़े की नहीं हैं, ये रजिस्ट्री वाली हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें यहाँ पर हैं रजिस्ट्रार ने इसको रजिस्ट्री किया है, और अगर ये नाजायज़ हैं तो उस वक्त महकमे किधर जो है कि हरकत में नहीं आए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये रजिस्ट्रियाँ हो गई हैं, इनको मालिक बना दिया गया है, तो अब बैठ के महकमे इनके साथ गुफ्तगू क्यों नहीं करते हैं? ये तो देखिए ना, ये तो साफ नज़र आ रहा है कि राहदारी में बनी हुई दुकान है, ये भी राहदारी में 3-3 फुट तक जो है दुकानें आगे की गई, ये किस तरह लीगल हो गई? सर देखें, इनको तो आप कानूनी नहीं कह सकते। सर देखें देखें, अगर अभी ये कानूनी नहीं है और जब उस वक्त इसको अप्रूव किया, LDA ने अप्रूव किया, तमाम इदारों ने इसको ठीक जायज़ करार दिया, तो अब इसे क्यों जो है कि वो नाजायज़ कहना, उस वक्त क्यों नहीं महकमे जो है हरकत में आए? 74 दुकानें जो हैं वो अब तक मिसमार की जा चुकी हैं, 350 से ज़ायद दुकानों के जो हैं वो राहदारियों और जो बरामदों में बनाई गई थी उन्हें जो है वो तोड़कर पीछे किया गया ताकि लोगों की आमदोरफ़्त का रास्ता जो है वो क्लियर हो सके। जी।